सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको देने वाला हूं हमारे आरटीसी फिश का अपडेट, क्योंकि उसका अपडेट दिए हुए आपको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हमारे सिकलेट फिश टैंक के साथ। तो यहां पे हमारे सभी फिश हमेशा की तरह बिल्कुल ओके हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे डीआईवाई फिश पॉन्ड की तरफ, क्योंकि उनका भी मैं अभी कर रहा हूँ वाटर चेंज, तो उनका भी आपको अपडेट देते हैं एंड देन फिर चलते हैं हम अपने आरटीसी की तरफ, उसका भी आपको अपडेट देना है। तो ये रहे भाई हमारे छोटे छोटे से हमारे मोलीस एंड हमारे प्लेटीज, साथ में हमारे गप्पी फिश। तो यहाँ पे काफी ज्यादा हमारे फिश हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथ में इनके बेबीज भी रखे हुए हैं। जो बैलून मोलीस के बेबीज थे वो यहाँ पे इन्हीं के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, काफी अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं वो। और ये रहा भाई हमारा छोटा सा स्नेल, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो हर तरफ यहाँ पे बेबीज ही बेबीज आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो बड़े फिश हैं उन्होंने इनपे किसी ने भी अटैक नहीं किया और ये इनके साथ काफ़ी इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं और काफ़ी इजीली यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पे वाटर फिलअप होना हो चुका है शुरू, तो चलिए इसको हम होने देते हैं अच्छे से फिलअप। एंड बाकी यहाँ पे वाटर प्लांट्स वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो चलिए इसको होने देते हैं फिलअप एंड देन फिर आपसे मिलते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे सारा वाटर फिलअप हो चुका है एंड जल्दी से आप टैप को करते हैं बंद, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा वाटर भर दूंगा तो हमारे मोलीज जंप कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी मोली यहाँ पे जंप करे बाहर, क्योंकि ज़्यादा वोटर हो तो यहाँ वोटर से ये कर देंगे बाहर जंप, फिर इनकी हो जाएगी डेथ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा साइड में घास है कि मुझे ये दिखेंगे भी नहीं कहाँ पे गिरे हुए हैं, और है भी इतने छोटे छोटे से तो कहाँ मिलेंगे मुझे यहाँ पे ये। तो ये देखे भाई हो चुका है इनका वोटर क्लीन। एंड मैं यहाँ पे एल्गी वगैरह को साफ इसीलिए नहीं करता क्योंकि हमारे गप्पीज एंड हमारे मोलीज जो है ये एल्गी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे प्लेटीज भी काफ़ी यहाँ पे ब्रीडिंग होने वाली है इनकी काफ़ी जल्दी। तो गप्पीज का तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि कब तक ये ब्रीड करेंगे एंड कब तक इनके बेबीज आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं एंड देते हैं आपको आरटीसी का अपडेट। तो ये रहा भाई हमारा आरटीसी का फिश टैंक, और यहाँ पे हमारे सिर्फ आरटीसी नहीं है, हमारा ब्लैक घोस्ट यहाँ पे है, हमारा जॉइंट गोराम यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये रहा भाई अंदर हमारा आरटीसी। तो चलिए इसको बाहर कैसे बुलाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो हमारा जॉइंट गोरामी बाहर आ चुका है हमें देख के। तो चलिए इनको डालते हैं यहाँ पे एग, क्योंकि ये इसी के लिए ही बाहर आता है हमारा आरटीसी। वैसे ये कभी भी हाइडिंग प्लेस से अपने बाहर नहीं आता है, बट हमारा जॉइंट गोरामी काफ़ी ज़्यादा हमारा टेम है, तो ये काफ़ी इजीली हमें देख के बाहर आ जाता है और डरता भी काफ़ी ज़्यादा कम है। देख सकते हो ये खाना कर दिया इसने शुरू। तो देखते हैं अब भाई आता है हमारा आरटीसी बाहर या नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बाहर आएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको दिखाने की इसको कोशिश करता हूँ तो ये बाहर नहीं आता, बट आज मैं इसका आपको अपडेट दे रहा हूँ तो मैं इसको आपको आज अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से इसको बाहर निकालते हैं एंड देन फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें भाई इन्होंने वोटर तो बिल्कुल ही गंदा कर दिया यहाँ पे, इन्होंने एग खा के। तो देख सकते हैं पानी की कंडीशन, इन्होंने अभी तक मतलब इतना अच्छा वोटर था यहाँ का और इन्होंने क्या कर दिया है पानी का। तो चलिए अब यहाँ से उठाते हैं हमारे हाइडिंग प्लेस को। चले यार भाई मोटर को कर लिया हमने बंद, और ये रहा साथ में हमारा टर्टल, आप देख सकते हो कैसे बैठा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं दोनों ये। अपने जो मैंने इनको बास्किंग एरिया दिया है उसके ऊपर नहीं बैठते हैं, इसके अलावा हर कहीं ये मिल जाएंगे आपको। तो चलें भाई इसको निकालते हैं बाहर। तो वो निकल चुका है भाई हमारा आरटीसी एंड हमारा ब्लैक गोश भी आ चुका है बाहर, और आप हमारा प्लेको फिश भी देख सकते हो यार कि कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, कितना छोटा सा मैं लाया था। तो चले इसका यहाँ पे निकाल लिया पानी, इसको रख देता हूँ मैं बाहर क्योंकि ये स्टैंड को तोड़ देगा, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये। तो अब आपको दिखाते हैं भाई हमारा आरटीसी बिल्कुल अच्छे से। तो कहाँ भाई फर्स्ट आप हमारा प्लेको फिश देख लो, ये कितना ज़्यादा ये बड़ा हो चुका है, और इसका कलर देख सकते हो आप, और इसका साइज तो देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ये बड़ा हो रहा है और काफ़ी जल्दी ग्रोथ कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये रहा भाई हमारा आरटीसी एंड साथ में हमारा जॉइंट गोरामी, और जॉइंट गोरामी का भी आप हेड देख सकते हो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है और पिंकिश कलर जो है इसमें दोबारा से आपको दिखना शुरू हो चुका है। तो चले भाई अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना आरटीसी को हाथ में पकड़ के, क्योंकि ऐसे आपको ये अच्छे से नहीं दिखेगा एंड ना ही आपको ये पता चलेगा कि इतने कितनी अच्छी सी ग्रोथ की है। तो चले मैं इसको जल्दी से पकड़ता हूँ हाथ में एंड देन फिर आपको दिखाता हूँ जल्दी से हमारा आरटीसी, एंड देन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी ग्रोथ हुई है यहाँ पे या नहीं हुई है। तो ये देखें भाई ये कहाँ फंसा हुआ है, तो इसका भी आपको छोटा सा अपडेट दे देते हैं साथ साथ में हमारे टर्टल्स का, क्योंकि टर्टल्स पे मैं काफ़ी कम वीडियो चलाता हूँ। तो ये देखें भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, हमारी फीमेल टर्टल है ये। ये देखें साइज चेक करें भाई इसका भी कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो चलें इसको करते हैं यहाँ पे रिलीज़, क्योंकि आज हम दे रहे हैं आपको सिर्फ हमारे आरटीसी का अपडेट।
तो जा भाई तू कर यहाँ पे एस। तो अब आपको दिखाते हैं भाई हमारा आरटीसी कहाँ गया कहाँ गया, दिख रहा है यहाँ पे वो रहा साइड में। अब आपको पकड़ के दिखाता हूँ भाई मैं कि इसका कितना ज़्यादा बड़ा साइज़ हो चुका है। तो ये देखें भाई हमारा आरटीसी भाई, और ये कितना ज़्यादा, ये देखिए भाई, ड्रामे देखें इसके, ज़रा हाथ में आना पसंद ही नहीं है हमारे किसी भी फिश को, बट आपको दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसने कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ की है। तो ये देखो भाई अब हो चुका है ये बिल्कुल शांत। एंड अब आप इसका कलर वगैरह देखें, एंड इसकी टेल तो अभी तक रेड नहीं हुई है, बट इसका साइज़ यहाँ पे ग्रोथ होना काफ़ी अच्छे से शुरू हो चुकी है, देख सकते हो मेरे हाथ जितना बड़ा लगभग होता है ये। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई हमारा आरटीसी आ चुका है आज बाहर हाइडिंग प्लेस से, और साथ में हमारा जॉइंट गुरामी, इसका हेड देख सकते हो उठना शुरू हो चुका है, जैसे कि हमारा जॉइंट गुरामी आपने देखा होगा बड़ा वाला, तो उसकी तरह इसका जो फेस है वो होना हो चुका है शुरू। और आरटीसी जैसे ही हमारा बड़ा हो जाएगा तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी अच्छी सी प्लानिंग की है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चले इनका हाइडिंग प्लेस दोबारा से इनको दे देते हैं ताकि हमारा आरटीसी ज़्यादा ना डरे, क्योंकि अगर आपका फ़िश कोई भी डरता है तो स्ट्रेस में आ जाता है, उस स्ट्रेस में ये किसी फिश को भी मार सकता है एंड खुद भी मर सकता है। तो चले यहाँ पे इसको डाल दिया। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको हमारा आरटीसी कैसा लगा, एंड साथ में ये बताएं कि इसकी ग्रोथ यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे तो, मैं रोज़ देखता हूँ इनको तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता, आप कभी कभी देखते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो चलिए फिर यहीं पे करते हैं हमारे वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।